तो हेलो गाइज, मेरा नाम है समुजीत। रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये हैंड वार्मर बना के दिखाने वाला हूँ। ठंड में जब हमारा हाथ जलने लगता है तब ये जो है आपको बहुत ही काम में आने वाली है, और आप इसे जो है एज ए फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही कम में आने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया हूँ, और ये जो इसका दो मुंह है इसे बंद करने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का सीट बना करके जो है कट कर लिया हूँ। और ये जो बड़ा वाला होल आप देख रहे हो, ये मैं इस पाइप के अनुसार जो है किया हो। ये जो है ये पाइप हमारे घर के अंदर जो पानी का पाइपलाइन किया जाता है उसमें यूज आता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ रहा है इसमें। और इस पाइप में जो है मैं कुछ होल किया हो, ये मैंने किस लिए किया हो वो आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो अब मैं जो है इसका क्वाल बनाने के लिए यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे जो है पहले यहाँ से निकल दिया हो खुद इतना सा, तो अब जो है इसको लपेटना होगा। तो मैं जो इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो इसको लपेट लिया हूँ, तो ये जो इसका किनारा खुल जा रहा है, तो ये जो खुले ना इसलिए मैं जो इस पे किनारे पे जो है पहले पीवीसी टेप लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है इसके किनारे पे पीवीसी टेप लगा दिया हूँ, और अब जो इसके पूरे के ऊपर जो है इस पीवीसी टेप को लगा देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो मैं फटाफट इसको लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर पूरा में जो है लगा दिया हूँ। तो आप जो है ये जो मैंने पीस कट किया था इसके ऊपर जो है इसको लगा देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आ रहा है। तो अब जो इसके ऊपर ग्लू गन से इसको चिपका देते हैं। आप यहाँ पर कोई और ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब ये वाला जो पीस है इसके ऊपर मैं एक चार्जिंग सॉकेट लगा रहा हूँ, ये देखिए। तो मैं जो इसके अंदर इसको लगा दे रहा हूँ, ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है एक वाइट LED यूज़ कर रहा हूँ, ये जो है 4 वोल्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो मैं जो इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ। और यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर बनाने के लिए यहाँ पर एक 5 mm का LED लाइट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है 8 GB LED यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई एक कलर का भी LED यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं इसके कनेक्शन के ऊपर। ये जो चार्जिंग सॉकेट का जो पॉजिटिव वाला वायर है वो इस 5 mm का जो पॉजिटिव वाला वायर है इसमें जो है सोल्डरिंग कर देने होगा। तो मैं जो इसके ऊपर फटाफट सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। तो अब ये जो नेगेटिव वाला वायर है इसको इस LED के जो है नेगेटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देने होगा। तो मैं जिसके भी इसके साथ सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। इस कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है आप लोग को डायग्राम शो कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने जो इसके ऊपर 2 वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये जो LED का नेगेटिव वाला वायर है इसके साथ मैं एक छोटा सा वायर जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जो वायर कनेक्ट किया उसको जो है मैं
यहाँ पर जो नेगेटिव वाला वायर मैंने कनेक्ट किया वो चार्जिंग सॉकेट और 5mm का LED, वहाँ पर जो है नेगेटिव को मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। और अब हमें चाहिए IN4007 डायोड, ये देखिए ये जो सिल्वर वाला जो लाइन है वो उसका पॉजिटिव वाला साइड है और जो ब्लैक कलर का जो है वो इसका नेगेटिव है डायोड का। तो अब हमें क्या करना होगा, डायोड का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल हुआ यानी कि जो ब्लैक वाला साइड है उसको हमें जो पॉजिटिव वाला ले गए LED के उसके साथ जो इसको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो मैंने जो इसके साथ इसको सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। तो अब हमें एक वायर लेना होगा और वो जो व्हाइट वाला LED हमने लगाया है उसके जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उस पर इसको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो अब हम मैंने एक बैटरी ले लिया है लिथियम आयन और इसके जो टर्मिनल है उसके साथ मैंने जो है एक एक वायर एक्स्ट्रा कनेक्ट किया हो। तो अब जो बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो जो हमने नेगेटिव वाला जो पॉइंट है उसके साथ जो है कनेक्ट कर देना होगा और जो पॉजिटिव वाला है वो डायोड के जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देना होगा। तो अब हमें जो इसके अंदर स्विच लगाना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया है। तो अब मैंने जो यहाँ पर छोटा वाला SPST स्विच यूज़ कर रहा हूँ। तो अब स्विच के जो दो पॉइंट होते हैं उसके किसी भी पॉइंट में जो है इसको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो ये देखिए मैंने जो इसको ऊपर एक टर्मिनल पे जो इसको सोल्डरिंग कर दिया हो। तो अब इसको जो है इस प्रकार से इसमें लगा दे रहा हूँ और इधर जो एक वायर निकला उसमें जो है ये वाला और एक SPST स्विच मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो मैंने जो है इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो अब हमें जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसे लेना होगा। याद में रखना जिस साइड में हमने वायर को वो व्हाइट वाला वायर कनेक्ट किया है उसके साथ ही जो इसको भी कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन बहुत ही इजी है, अगर आप लोग को समझने दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अब हमें ये जो कॉयल हमने बनाया है इसके किसी भी एक टर्मिनल लेना होगा, इसका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। तो ध्यान में रखना जब भी आप कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को सोल्डरिंग करना होगा तो उसके पहले जो इसको अच्छी तरीके से रब कर लेना होगा वरना सोल्डरिंग नहीं होगा। तो अब हमें जो इस स्विच का जो बची हुई टर्मिनल है इस पर जो इसको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो मैंने जो इसको सोल्डरिंग करके लगा दिया हो, अब जो हमने वो LED लगाया है व्हाइट वाला उसको भी उसका जो टर्मिनल है उसका टर्मिनल को ये जो स्विच का बचा हुआ टर्मिनल है उसके साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, अब जो इस स्विच को मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए LED जो है वर्क कर रहा है, ये देखिए। तो अब हमें जो इस कॉइल का जो बची हुई टर्मिनल है उसको बैटरी के जो नेगेटिव वाला टर्मिनल हमने लगाया है
उसके साथ जो है सीधा कनेक्ट कर देना होगा। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है पीवीसी टेप भी लगा देना होगा। तो मैंने जो पीवीसी टेप लगा दिया, अब जो बैटरी के ऊपर जो है मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप को लगा दिया हो, और इस बैटरी को जो है मैं इस पाइप के अंदर सेट कर दिया हो। अब जो इसे लगा देना होगा, तो मैं जो इसको पैक कर रहा हूँ अभी, तो इसे जो है फेविक्विक से सील कर देना होगा। तो मैंने जो इसके ऊपर फेविक्विक से इसको सील कर दिया हो। इसका हीटर का स्विच, ये जो है हीटर है, ये बहुत ही अच्छी हीट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो हीटर है ठंड के मारे जब हमारा हाथ जलने लगता है तो ये जो है बहुत ही कम में आने वाली है। तो अब इसे जरूर से बनाना। ये जो आप एक प्लस लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने इस हीटर का स्विच ऑन किया तब ये जो है डिम हो गया था, और जब इसे मैं ऑफ कर दिया ये जो है वापस से चलना स्टार्ट हो गया था। और ये जो है इसका हीटर बहुत ही अच्छा है, हीट दे रहा है। तो चलिए आप जो इसको एक बार चार्ज करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने जो इस चार्जर को इस पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।